हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज फिर देखे एक बार एक्शन मोड में। आरटीआई के तहत गलत सूचना देने के आरोप में हरियाणा विभाग के दो कर्मचारी निलंबित। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आरटीआई एक्ट के तहत गलत सूचना देने के आरोप में विभाग के अधीक्षक रोहतास व सहायक पंकज कौशिक को निलंबित कर दिया है। किसी भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से जांच करवाने के आदेश दिए हैं, जो कि एक माह में रिपोर्ट देंगे। अनिल विज ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आरटीआई अधिनियम के तहत गुरुग्राम के एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना में इन कर्मचारियों ने गलत सूचना देते हुए कहा था कि वर्ष 2014 के पश्चात हरियाणा में अस्पतालों का कोई नया भवन नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों ने लापरवाही व जानबूझकर इस प्रकार की सूचना दी थी, जिसके कारण विभाग की छवि खराब हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार के दौरान न केवल पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए अस्पतालों के भवनों का निर्माण पूरा करवाया गया है, बल्कि नए भवन भी बनवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गत कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत 86 भवनों का निर्माण कार्य भी हमारी सरकार के दौरान वर्ष 2014 के बाद पूरा किया गया है, जिस पर लगभग 282 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पल पल की देखिए यह रिपोर्ट, क्या कहा अनिल विज ने। और काम नहीं किया था, उसमें भी 86 बिल्डिंग 282.21 करोड़ रुपए की हमने कंप्लीट की हैं। तो ये गलत आरटीआई में जानकारी, जो कि विलफुल भी हो सकती है और नेग्लिजेंस भी हो सकती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन की वजह से सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है इन अधिकारियों के द्वारा। इसलिए जो अधीक्षक हैं रोहतास, उनको और सहायक हैं पंकज कौशिक, दोनों को मैंने सस्पेंड किया है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो डायरेक्टरेट में हेडक्वार्टर में दोनों को मैंने सस्पेंड किया, और मैंने किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के द्वारा इसके एक महीने में जांच कराने के आदेश जारी किए। हमने इन के अलावा 4 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की है, जिसमें से एक तो फंक्शनल काम चल रहा है, बाकी 3 के टेंडर कॉल किए, मंजूरी दी है यानी हमने 4। और हाँ जी, और 2 यूनिवर्सिटियाँ हमने बनाई हैं, एक आयुष की और दूसरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल विश्वविद्यालय करनाल।